हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी जिस हिसाब का आप रिस्पांस दे रहे हैं वीडियोस के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे उस चीज़ के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है हमारा न्यू ट्रेंड्स इन ICT कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट क्लासरूम्स एंड एडुसेट। तो सबसे पहले हम स्मार्ट क्लासरूम से पढ़ना शुरू करते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम्स क्या होती हैं। स्मार्ट क्लासरूम होती है वो एक एडवांस्ड एजुकेशनल एनवायरनमेंट है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ में इनकॉर्पोरेट करवाता है, जिससे कि टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम एनहेंस कर सकते हैं। क्या है स्मार्ट क्लासरूम हमारा? स्मार्ट क्लासरूम जो है एक नया मेथड है, मैं कहूँगी, या नया एजुकेशनल एनवायरनमेंट है जिसमें हम अपनी जो ट्रेडिशनल टीचिंग प्रोसेस है उसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर देते हैं या इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग, इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, मतलब ऐसे टूल्स जो कि टेक्नोलॉजी पर रन करते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं जिससे कि जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं वो और ज़्यादा एंगेजिंग हो जाएगी, मतलब बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा एंगेज होंगे, इंटरेक्टिव होगी, टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस के दौरान, और इफेक्टिव होगी, मतलब कि जो भी लर्निंग हो रही है उसका आउटपुट अच्छा हो रहा है, वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रिटेंशन रेट लेके आ रहा है। एक स्मार्ट क्लासरूम जो होता है वो ट्रेडिशनल जो मेथड है, टीचिंग मेथड है, उससे कई आगे है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम टीचिंग को और ज़्यादा डायनेमिक बनाते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाते हैं। जो हमारा पुराना टीचिंग मेथड है वो कैसा होता है, दैट इज़ ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ या फिर पैसिव लर्नर टाइप का जो एनवायरनमेंट होता है, जिसमें कि सिर्फ टीचर जो होता है वो बोलता जाता है, बच्चा उसको पैसिवली सुनता जाता है। तो इससे क्या होता है, जो रेट ऑफ इफेक्टिवनेस होता है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है पूरी लर्निंग प्रोसेस में, वो जस्ट पैसिव लिसनर की तरह वहाँ पे बैठ के जस्ट टीचर को सुनता रहता है। तो जो लर्निंग है उसकी वो ज़्यादा इंपैक्ट फुल नहीं रहती, और उसका रिटेंशन रेट भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा पुअर रहता है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, इंटरेक्शन हमारी बच्चों के साथ ज़्यादा हो जाएगी, बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी बढ़ेगी, उनकी क्यूरोसिटी भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, हर चीज़ जो है वो उनमें बिल्डअप हो जाएगी, मतलब मोटिवेशन लेवल उनका बढ़ जाएगा पढ़ाई के लिए। तो इससे क्या होगा कि क्लास का जो एनवायरनमेंट है ना वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा पढ़ाई के लिए। इसका जो एम होता है वो होता है बच्चों के अंदर, मतलब बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स मतलब टीचर्स के अंदर जो है एक बेटर कम्युनिकेशन हो सके, बेटर कोलैबोरेशन हो सके, टीचर और बच्चों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मतलब पहले की तरह बच्चों के अंदर एक टीचर का डर नहीं होना चाहिए कि हमें अगर नहीं आया तो टीचर हमें डांटेगी या फिर मारेगी, या डर के मारे वो पूछते ही नहीं थे अपने टीचर्स से। तो उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं हमने वहाँ पर क्रिएट करना है। हम क्या करेंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे इसके थ्रू, क्योंकि टीचर जो है जो बच्चों को भी लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करेगा तो उससे बच्चों के अंदर भी क्या आएगी, एक ओपननेस आ जाएगी टीचर के साथ। तो बच्चा जो है वो टीचर को समझेगा, टीचर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, कोलैबोरेशन होगी, मतलब मिल बांट के जो है वो चीज़ों को करना पसंद करेंगे। इसके बाद बोलता है कि जो स्मार्ट क्लासरूम है ना उसमें बहुत सारे सेटअप्स की ज़रूरत होती है, मतलब स्मार्ट क्लासरूम ऐसे ही नहीं बन जाएगा, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऑडियो विजुअल एड्स रखने पड़ेंगे, वहाँ पर प्रॉपर माइक सिस्टम होना चाहिए, स्पीकर्स होने चाहिए, डिजिटल डिवाइसेज होने चाहिए जिसके थ्रू आप उसको कनेक्ट करोगे, लैपटॉप्स हैं या फिर आपका PC है, कुछ भी है वो होने चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स हैं अब तो वो भी चल पड़ेंगे, टैबलेट्स हैं, कनेक्टिव होनी चाहिए, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अच्छा, और एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप एक स्मार्ट क्लासरूम को सेटअप करोगे। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की, ये तो हो गई इंट्रोडक्शन थोड़ी सी स्मार्ट क्लासरूम की, स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किन किन एलिमेंट्स से मिलकर जो है वो हमारा स्मार्ट क्लासरूम बना होता है। इसमें सबसे पहले आता है डिजिटल डिस्प्ले, जो भी आपको एक सामने एक प्रोजेक्टर स्क्रीन दिखती है, या आप बोल सकते हो अब तो डिजिटल बोर्ड्स आ चुके हैं, व्हाइट बोर्ड आ चुके हैं, वो सारी क्या है आपकी, वो डिजिटल डिस्प्लेज हैं जिसके ऊपर टीचर जो है वो अपना कंटेंट को डिस्प्ले करता है, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है, या जो भी उसका मटेरियल है उसको एनोटेट करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है बच्चों को क्लासरूम में रियल टाइम में, रियल टाइम मतलब लाइव ऑन द स्पॉट जो है टीचर उसको वो डिस्प्ले करता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं डिजिटल डिस्प्ले। फिर ये तो चाहिए आपको, स्क्रीन तो चाहिए तभी तो वो आपका स्मार्ट क्लासरूम बनेगा, वरना तो टीचर फिर वो पैसिव लिसनिंग वाला ही सिस्टम चल पड़ेगा कि टीचर बोल रहा है वर्बली और बच्चे जो है बैठ के सुन रहे हैं। फिर डिजिटल बोर्ड जो है वो एक विजुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा बच्चों को, जिसके ऊपर वो ध्यान से देख सकते हैं कि टीचर हमारी क्या कर रही है, जो भी टीचर उनको कंटेंट प्रेजेंट करेगी वो बच्चे वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद और क्या चीज़ें चाहिए हमें, और चाहिए कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमें डिजिटल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम इसके साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स और टीचर जो है वो कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो जितना भी डिजिटल रिसोर्स है उसको शो कर सकते हैं अपने डिस्प्ले टेबल डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर, या कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के साथ वो कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, और अपने आप को इन्हीं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में क्या रख सकते हैं, एंगेज
रख सकते हैं। तो कंप्यूटर एंड टैबलेट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स और टीचर की, वो बच्चों को डिजिटल रिसोर्सेज का एक्सेस दे रहे हैं। जैसे अब आप लोग भी हैं, आप लोग पढ़ते हैं, तो अब इतना मुझे पता है कि अब इस स्टेज पे तो मैक्सिमम लोग बुक्स को तो प्रेफर करते भी नहीं होंगे, सब ना ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, चाहे गूगल से पढ़ लिया चाहे यूट्यूब से पढ़ लिया, है ना। तो वो सारा क्या है, वो जो आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, टैबलेट से पढ़ रहे हो थ्रू इंटरनेट, वो सारे डिजिटल रिसोर्सेज ही हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें एक्सेस आपको मिलेगा किसके थ्रू, कंप्यूटर और टैबलेट के थ्रू ही मिलेगा। जब कंप्यूटर टैबलेट्स होगा तभी तो आप डिजिटल रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प करता है। अगर आपको रिसर्च करनी है कोई चीज़, आजकल आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू जो है आप कोलैबोरेशंस होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो प्रोजेक्ट में, और इस तरह की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में आप खुद को क्या रख सकते हो, एंगेज रख सकते हो। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हाई इंटरनेट एक्सेस की मदद से ही जो है हम इन ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं उसको कंडक्ट कर सकते हैं, या किसी भी वर्चुअल कोलैबोरेशन में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ मस्ट। आफ्टर दैट वी हैव एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। जो आपका ये सिस्टम होता है ना पूरा स्मार्ट क्लासरूम्स का, ये एक सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है, मतलब एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है इसके लिए, जिसके थ्रू जो है आपको एक इंटरेक्टिव लेसन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, सिमुलेशंस करवाई जाती हैं, क्विजेज होते हैं, इसमें मल्टीमीडिया कंटेंट होता है जिससे कि आप लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ये है कि जो भी आप स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ा रहे हो ना, एक्चुअल में वो है क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑटोमेटिकली फीडेड होती हैं, ये सारा कंटेंट इसमें फीडेड होता है, चाहे क्विजेज हो, सिमुलेशंस हो, लेसन्स हो आपके, मल्टीमीडिया का कोई और कंटेंट हो, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स की, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि स्मार्ट क्लासरूम्स क्या है, एक मल्टी सेंसरी अप्रोच है, तो इसमें हमारी ऑडियो और विजुअल दोनों एड्स जो है वो यूज़ हो रही हैं, तो उनके लिए हमें इक्विपमेंट्स भी तो वैसे ही चाहिए। अगर ऑडियो सिस्टम है तो उसके लिए हमें स्पीकर्स भी चाहिए, माइक्रोफोन्स भी चाहिए, विजुअल इक्विपमेंट है तो उसके लिए कैमराज भी चाहिए, ठीक है, ताकि हम एक क्लियर कम्युनिकेशन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो कर सके, ठीक है। अगर हमें किसी वर्चुअली किसी गेस्ट लेक्चर को अटेंड करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अटेंड करना है, तो उसके लिए हमें माइक की भी ज़रूरत पड़ेगी, कैमरा की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब कुछ भी जो है वो एक स्मार्ट क्लासरूम में होना चाहिए। ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका स्मार्ट क्लासरूम का। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल कॉन्टेंट की। तो डिजिटल कॉन्टेंट होता है जो भी इन्फॉर्मेशन उस डिवाइस में स्टोर्ड है आपके काम की, जैसे उसमें ई बुक्स हैं। ई बुक्स क्या होती हैं, जो भी आपको PDF फॉर्म्स में जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में जो आपकी बुक्स जो है वो सेव हैं आपके सॉफ्ट कॉपीज, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सॉफ्ट कॉपीज, जो आपकी बुक्स की या फिर किसी भी मैगजीन की या रिसर्च पेपर्स की जो अभी आपकी उसमें स्टोर्ड है, उसको हम बोलते हैं ई बुक्स वगैरह, ठीक है। वो हो गई, जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं आपकी, सिमुलेशंस हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कि आपके ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स को और सप्लीमेंट कर देते हैं, है ना। तो ये बच्चों को क्या कर रहा है, एक डाइवर्स लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, मतलब बच्चों को बहुत वाइड वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज मिल रहे हैं जिसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन में हेल्प, मतलब अपनी एजुकेशन में और एक्सेल कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया डिजिटल टूल्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कोलैबोरेशन टूल्स के बारे में। तो कोलैबोरेशन टूल्स होता है वही कि व्हाइट बोर्ड है, डिस्कशन फोरम्स हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि ये ना हो कि टीचर जो है पढ़ा तो स्मार्ट क्लासरूम में रहा है ऑनलाइन बच्चों को, लेकिन उसमें कोई ऐसा सेक्शन है ही नहीं जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। अब स्मार्ट क्लासरूम बता रहे हो जिसमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ पर इस तरह के कुछ टूल्स होने चाहिए जिसके थ्रू टीचर, व्हाइट बोर्ड है तो टीचर जो है कुछ लिखना होगा उसको पढ़ाते टाइम, तो वो भी लिख सकता है, बच्चों के साथ डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन फोरम्स होने चाहिए, तो इस तरह की चीजें जो है वो भी स्मार्ट क्लास का एक हिस्सा है। आफ्टर दैट वी हैव रियल टाइम असेसमेंट। रियल टाइम असेसमेंट का है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द लेक्चर, अगर मुझे किसी बच्चे को एक्सेस ये असेस करना है कि वो कैसा पढ़ रहा है या उसका क्या रिस्पांस है, तो मैं क्या कर सकती हूँ क्लास में, डिजिटल क्विजेज ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, पोल्स कर सकती हूँ, जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, तो मैं बच्चों से उससे रिलेटेड एक पोल क्रिएट कर सकती हूँ, तो बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे उस पोल के ऊपर कि उनको कैसे आंसर अपना बता सकते हैं उस पोल में, ठीक है। तो इस तरह के जो है हम बड़े सारे असेसमेंट टूल्स जो है वो भी हम डिजिटली यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, जैसे कि टीचर को हेल्प मिलती है कि वो क्या कर सके, उनका इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से जो है अपनी इंस्ट्रक्शन को क्रिएट कर सके। तो ये तो थे आपके सारे के सारे कंटेंट्स या जो भी आपको एलिमेंट्स चाहिए होते हैं स्मार्ट क्लासरूम के लिए। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि स्मार्ट क्लासरूम्स के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले है एनहांस्ड एंगेजमेंट। एनहांस्ड एंगेजमेंट का मतलब है कि जब बच्चों को इस तरह का इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से उसको पढ़ेंगे, स्टूडेंट अटेंशन बढ़ जाएगी वहाँ पे, और जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा एंगेजिंग और इंजॉयबल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को इस तरह से इंटरेक्टिव वे में इतना मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर आप उनको पढ़ाओगे तो बच्चे भी बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को समझेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में नहीं जाते हैं, उनको क्या चाहिए, कॉन्क्रीट चीज़ें चाहिए अपने सामने चीज़ों को समझने के लिए। जब आप उनको वर्बली पढ़ाते हो तो बच्चों को ना सोचना समझने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है उनकी, वो उस लेवल तक सोच पाए चीज़ों को। तो जब आप उनको वर्चुअली चीज़ों को दिखा रहे हो ना सामने,
तो वो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, तब उनमें जो सीखने की जिज्ञासा होती है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरह से उनमें एनहांस एंगेजमेंट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं इंप्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स की। तो जिस तरह से अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ से जो आपको आउटकम मिलता था ना, उसके कंपैरिजन में जब आप उनको स्मार्ट क्लासरूम्स में पढ़ाओगे ना, इन विजुअल एड्स के थ्रू, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा बेटर समझ आएगा और जो आपको आउटपुट मिलेगा ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेगा, इंप्रूव्ड मिलेगा और अच्छा मिलेगा। फिर बात करते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग की। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होता है कि स्मार्ट क्लासरूम्स जो है ना वो टीचर्स को ये परमिशन देते हैं कि वो किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शंस जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं बच्चे की नीड्स के हिसाब से, कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है पढ़ने की, वो चीज़ों को जल्दी समझ लेता है या थोड़ा टाइम लगता है, उसके हिसाब से मतलब बच्चे की पर्सनलाइज नीड के हिसाब से जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस को डिजाइन कर सकता है। उसके बाद एक्सेस टू रिच रिसोर्सेज, मतलब कि अब हर बच्चे के पास, देखो स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो हर बच्चा इतना तो कैपेबल नहीं होता ना कि भाई जितने भी आपको अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं वो मिल जाएँ, जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो आपको ये एक्सेस मिल जाता है कि आप अच्छी अच्छी बुक्स को, अच्छी अच्छी वेबसाइट से जो है अपना रिसोर्सेज जो है बच्चों को मिल सकते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी बुक्स मिल सकती हैं पढ़ने के लिए। जैसे जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी बुक्स को खरीदना, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चे उसको पढ़े ही ना, तो आपको जो ये ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं ना, डिजिटली डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, ई लाइब्रेरीज मैं कहूँ, तो वहाँ के उसके थ्रू जो है आपको एक्सेस मिल जाता है ऐसी रिच रिसोर्सेज को भी एक्सेस करने का। फिर बात करते हैं रिमोट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। रिमोट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि स्मार्ट क्लासरूम्स जो हैं, जो बच्चे फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते हैं क्लासेस को किसी रीजन से, वो भी घर बैठे जो है वो इनकी अच्छे से क्लासेस को अपनी अटेंड कर सकते हैं डिजिटली, ठीक है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होना ही है, उसी के फॉर्म में आप जो है वो स्मार्ट क्लासरूम्स का एक्सेस ले सकते हैं। इसमें आप ऐसा है कि अगर आप फिजिकली अटेंड नहीं भी कर सकते हैं ना, तो भी आपको जो है वो कंटेंट जो है वो मिलेगा, स्टूडेंट जो है वो क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, इवन पेरेंट्स के साथ बेटर जो कोलैबोरेशन है टीचर की उसको भी एनहांस करता है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में कैसा रिलेशन है वो पेरेंट्स को भी पता चले कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, या टीचर जो है वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बना रहेगा टीचर स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में। स्किल डेवलपमेंट, जब आप टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में यूज़ करते हो ना, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको आप डिजिटल वर्ल्ड के लिए भी अपग्रेड करते रहते हो, उनमें आप डिजिटल लिटरेसी डेवलप करते हो, टेक्निकल स्किल्स डेवलप करते हो, तो इस तरह से उनमें स्किल डेवलपमेंट भी होती रहती है। फिर है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये है कि आपको जो है ज़्यादा फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता डिजिटल रिसोर्सेज की वजह से, तो आपको सब कुछ डिजिटली मिल जाता है कंटेंट, तो इससे जो है जो फिजिकल रिसोर्सेज की नीड है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि हम एक इको फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब स्मार्ट क्लासरूम जो है वो टीचर को भी एंगेज करता है कि वो नए नए इनोवेटिव वे से जो है बच्चों को पढ़ाए और अपनी स्किल को भी कंटिन्यूसली क्या करता रहे, अपग्रेड करता रहे, वरना पुराने ट्रेडिशनल मेथड में टीचर जिस फॉर्म में पढ़ा रहा है सालों साल वो उसी मेथड से पढ़ाता रहता था, लेकिन अब जो है जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है एजुकेशन में भी, तो टीचर भी अपने आप को टाइम टू टाइम जो है वो अपग्रेड कर रहा है, नई स्किल्स सीख रहा है अपने आप को, ठीक है, नए मेथड्स जो है वो ट्राई कर रहा है इनोवेटिव, जिससे कि वो बच्चों को पढ़ा सके इफेक्टिवली। देन ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी है कि वर्चुअल कोलैबोरेशन बच्चा कर सकता है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो किसी भी देश के किसी भी कोने के बच्चों के साथ में भी अपनी एजुकेशन को जो है वो शेयर कर सकता है, या किसी एक्सपर्ट्स या एजुकेटर्स से उसको पढ़ना है कहीं से तो वो भी पढ़ सकता है, किसी अच्छे कोर्स करना है उसको ऑनलाइन कहीं से तो वो भी कर सकता है, तो एक ग्लोबल कनेक्टिविटी भी जो है वो स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू बन जाती है। अगर इसकी एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होंगे कुछ, तो क्या है इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है, मतलब कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इतने सारे सेटअप्स हैं इसके लिए, ठीक है, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए, डिजिटल डिवाइसेस भी चाहिए, साथ में आपको ऑडियो विजुअल एड्स भी चाहिए, तो इतनी सारी चीज़ों को कई बार जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि वो ये सब कुछ जो है वो इक्विप कर सके, और साथ में जो बच्चे होते हैं उनके पास भी नहीं होता है कि वो क्लासरूम के बाहर जाके इन चीज़ों का एक्सेस कर सके, क्योंकि उनके पास क्लासरूम के बाहर भी तभी चीज़ें यूजफुल हैं जब बच्चों के पास खुद के पास भी वो डिवाइसेज होंगे जिसके थ्रू, अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं और बच्चे के पास फोन ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो कैसे करेगा, इस ऑनलाइन क्लासेस का फायदा कैसे उठाएगा, तो इसीलिए ये काफ़ी कॉस्टली है, हर कोई इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा है प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न है कि इस तरह का जब आप डिजिटली चीज़ों को करते हो ना, तो इससे स्टूडेंट का जो डाटा होता है ना, बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा जो होता है वो इसमें स्टोर होता है, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना भी एक रिस्क हो जाता है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं मेंटेन रखते, तो आप बच्चे का जो इतना प्राइवेट डाटा है वो आप पब्लिकली
शेयर हो सकता है, तो इसमें प्राइवेसी के भी कंसर्न होते हैं। देन टेक्निकल इशू कि कभी एक चीज़ खराब हो रही है, कभी दूसरी खराब हो रही है, बीच में कोई ग्लिचेज आ जा रहे हैं, तो इससे टीचर को भी फ्रस्ट्रेशन होती है, बच्चे को भी पढ़ते टाइम फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर टीचर बार 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 जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन ही ठीक करता रह जाए, कभी उसका लैपटॉप नहीं कनेक्ट हो रहा है, कभी वो स्लाइड नहीं चल रही है, तो ये चीज़ें जो है वो भी एक इशू है इसकी स्मार्ट क्लास में। फिर है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जब हम डिजिटली चीज़ों को करते हैं ना, तो हम हर जगह डिस्ट्रैक्शन आ ही जाती है। अगर आप फोन में भी पढ़ रहे होते हो ना, अगर आप गलती से फोन से हट के जो आप पढ़ रहे होते हो उससे कहीं और अपनी सोशल मीडिया पर चले गए ना, तो आप वहीं पर ही अपना कितना टाइम वेस्ट कर देते हो। तो इस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का भी रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, तो ये ना टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही क्लास पे आप पढ़ा सकते हो, इंटरनेट होगा तभी आप पढ़ा सकते हो, इनमें से कोई भी चीज़ एक नहीं है तो क्या होगा, जो आपकी क्लास का जो है सिस्टम है वो रुक जाएगा, आप नहीं पढ़ा पाओगे बच्चों को। उसके बाद इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में वही आ गया कॉस्टली वाला कि हर बच्चे के पास ये इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो क्लासरूम के बाहर जाके भी जो है वो इक्वल एडवांटेज ले सके जैसे कि और बच्चे ले रहे हैं जिनके पास जो ये रिसोर्सेज है। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग टू यूज़, अब टीचर है उसको भी वो प्रॉपर यूज़ करना आना भी तो चाहिए बच्चे को पढ़ाने से पहले, वो ऐसे थोड़ी ना कि वो ऐसे ही गए और पढ़ाने लग गए एकदम से, उसको भी तो पूरा सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, कैसे उसको सिस्टम को यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए। तो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और मेंटेनेंस कॉस्ट की लगा दिया है तो उसको हमें टाइम टू टाइम मेंटेन भी रखना है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी कॉस्ट लगती है, तो वो काइंड ऑफ कॉस्टली में ही काउंट हो जाता है कि इसको रखना मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये हो गया आपका स्मार्ट क्लासरूम के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं एडुसेट के बारे में, तो एडुसेट क्या है देख लेते हैं। एडुसेट का मतलब है एजुकेशन सैटेलाइट, तो ये एक सैटेलाइट बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि इसरो ने, दैट इज योर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2004 में इसको क्या करा था, एस्टेब्लिश करा था। इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एडुसेट का वो ये था कि जितने भी बच्चे हैं जो भी डिप्राइव्ड एरिया से आते हैं या फिर रिमोट और रूरल एरिया से आते हैं, उनको हमने सैटेलाइट के थ्रू जो है सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन सर्विस उनको प्रोवाइड करवानी है। मतलब कि कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं, ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नहीं है स्कूल्स वगैरह वहाँ पे, तो आप उनको जो है वो क्या कर सकते हो, सैटेलाइट लर्निंग के थ्रू जो है वो पढ़ा सकते हो। इनका मतलब है कि जो भी एजुकेशनल, जो इनका एम था ना एडुसेट का, वो ये था कि जितने भी जो आपके एजुकेशन में गैप है कि कुछ लोगों को एजुकेशन मिल रही है, पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही है, और कुछ बच्चों को जो है वो नहीं मिल रही है, तो उसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है उस गैप को। तो उसके लिए हम बच्चों को जो है इस सैटेलाइट लर्निंग के थ्रू एजुकेशनल कॉन्टेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको लेक्चर्स देंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देंगे, ठीक है। तो ये जो था इनका एम था। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि एक एजुकेशन सैटेलाइट है, सैटेलाइट बेस्ड है, तो सैटेलाइट की इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कोर कंपोनेंट है ना एडुसेट का वो क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट जो है उसमें कुछ कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होती है जो क्या करती है, जो भी आपका एजुकेशनल कॉन्टेंट है उसको ट्रांसमिट और रिसीव करती है। मतलब जितना भी आपका एजुकेशनल कॉन्टेंट है, एजुकेशनल डेटा है, उसको जो आपका कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर्स है ना वो क्या करेंगे, ट्रांसमिट भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे। ये सैटेलाइट का काम है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर्स क्या होते हैं ये खुद। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं सैटेलाइट के ऊपर जो कि एजुकेशनल कंटेंट हो गया, वीडियो लेक्चर्स हो गए या ऑडियो इंटरेक्शंस हैं या किसी भी फॉर्म का डाटा है, उसको सैटेलाइट और जो ग्राउंड बेस्ड रिसीविंग स्टेशन है उसके बीच में फैसिलिटेट करते हैं उसकी ट्रांसमिशन को। मतलब सैटेलाइट तो आपको पता ही है ना सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन तक जो भी ट्रांसमिशन है उसको फैसिलिटेट करवाने का काम किसका होता है, आपका कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर्स का होता है। कि आपके जो भी आपका एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियो लेक्चर है, ऑडियो इंटरेक्शंस हैं या किसी भी फॉर्म का डाटा है, उसको सैटेलाइट से ग्राउंड बेस्ड रिसीविंग स्टेशन तक ट्रांसमिट करवाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं ग्राउंड स्टेशन की, तो ग्राउंड स्टेशन क्या है, तो ग्राउंड स्टेशन जो होते हैं वो आपके इसलिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि वो सैटेलाइट के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। ये स्टेशंस क्या करते हैं, जो भी एजुकेशनल कंटेंट ऊपर सैटेलाइट से जो आ रहा है उसको रिसीव करते हैं और उसको वेरियस रिसीविंग सेंटर्स में अक्रॉस द कंट्री क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सैटेलाइट जो है वो आपका क्या करेगी, एजुकेशनल कंटेंट है या जो भी आपका डाटा है उसको सेंड करेगी, ठीक है। किसके थ्रू करेगी, कौन उसमें हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर्स हेल्प करेंगे। किसको करेंगे वो सेंड, ग्राउंड स्टेशंस को करेंगे। ग्राउंड स्टेशन उस ट्रांसमिशन को क्या करेंगे, उस कंटेंट को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और वेरियस रिसीविंग सेंटर्स जो भी आपके अक्रॉस द कंट्री हैं उनमें क्या कर देंगे, उसको सेंड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका ग्राउंड स्टेशन। इसके बाद हम बात करते हैं रिसीविंग टर्मिनल्स की, कि रिसीविंग टर्मिनल्स क्या होते हैं। दे वर सेटअप इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसीविंग टर्मिनल्स, आपके जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ही होंगे, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। ये जो टर्मिनल्स होते हैं रिसीविंग टर्मिनल्स, ये आपके सैटेलाइट डिशेस और आपके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो होते हैं इनसे इक्विप्ड होते हैं, जो कि इन ट्रांसमिटेड कंटेंट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। सैटेलाइट अपना जो भी इन्फॉर्म डाटा है वो किसको देगी, ग्राउंड स्टेशंस को देगी। फिर ग्राउंड स्टेशंस जो है ये रिसीविंग टर्मिनल्स को देंगे। ये रिसीविंग टर्मिनल्स कहाँ सेटअप हुए होंगे, ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो स्कूल कॉलेजेस हैं ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर एस्टैब्लिश होंगे। यहाँ पर ये टर्मिनल्स जो है रिसीविंग टर्मिनल्स हैं, ये सैटेलाइट डिशेस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स से मिलकर बने होते हैं जो कि इस ट्रांसमिटेड कंटेंट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन करिकुलम डेवलपमेंट की।
इसके बाद ये जो कंपोनेंट है, ये आपका जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, जो भी आप वीडियो लेक्चर बना रहे हो, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, या कोई भी आपके कोर्स का मटेरियल है, उसकी क्रिएशन में इन्वॉल्व है ये। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट मैं कहूँ तो जो भी बच्चों को कंटेंट मिल रहा है ना, वो ये कंटेंट क्रिएशन है करिकुलम डेवलपमेंट में। अब बच्चे को आप जो भेज रहे हो उसकी कहीं ना कहीं तो क्रिएशन भी तो हो रही होगी ना, तो कौन कर रहा है उसको, कौन क्रिएट कर रहा है? जो आपके एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, इन ये जो है हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद है टेली एजुकेशन स्टूडियोज। टेली एजुकेशन स्टूडियोज जो होते हैं वो आपके लाइव और प्री रिकॉर्डेड एजुकेशनल कंटेंट को बनाते हैं। ये स्टूडियोज जो होते हैं, इसमें आपके ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स होते हैं, कैमराज होते हैं, इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपके एजुकेशनल सेशंस बनाती है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूँ, कंटेंट क्रिएशन करिकुलम डेवलपमेंट और टेली एजुकेशन स्टूडियोज की, तो इन शॉर्ट इनका काम जो है वो कंटेंट क्रिएशन ही होता है। जो आपका ये ऊपर वाला है कंटेंट क्रिएशन और करिकुलम और टेली एजुकेशन स्टूडियो, ये सेम चीज़ें हैं, दोनों ही कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। बस इसमें ये बोल दिया है कि जो आपके टेली एजुकेशनल स्टूडियोज है ना, वहाँ पे आपके लाइव और प्री रिकॉर्डेड एजुकेशनल कंटेंट्स को बनाया जाता है, यहाँ पे ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स का यूज करके। फिर बात करते हैं इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी की। तो इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी होता है कि एडुसेट ये नहीं है कि सिर्फ ऑटोक्रेटिक वे में ही चल रहा है कि टीचर ही पढ़ा रहा है और बच्चे कोई वो नहीं है और एक्सेस नहीं है रिस्पॉन्ड करने का, तो इंटरेक्टिव है ये भी। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें भी, मतलब एजुकेटर्स और एक्सपर्ट्स हैं आपके और स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन किया जा सकता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होती है। बच्चे जो है सेशन के दौरान जब भी लाइव क्लासेस होती हैं तो उस दौरान जो है क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आंसर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, डिस्कशंस हो सकती हैं, तो इस तरह से ये इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि एडुसेट की क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस मिल जाता है, मतलब कि प्राइमरी एडवांटेज ही जो एडुसेट का है वो ये है कि सभी को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन मिले, चाहे वो किसी भी एरिया में रहते हो, किसी भी देश के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे उनके पास एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है, वो इनका प्राइमरी एम है, और ताकि जो भी एजुकेशनल गैप है उसको क्या किया जा सके, पूरा खत्म किया जा सके। देन ज्योग्राफिकल रीच, मतलब कि जितने भी रिमोट कॉर्नर्स हैं कंट्री के, चाहे हिली एरियाज हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, या जहाँ पे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हर कोने कोने तक जो है वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, ये इसका एक एडवांटेज है। इंटरेक्टिव लर्निंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऑलरेडी टू वे प्रोसेस है जिसमें कि टीचर जो है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी मदद से रियल टाइम इंटरेक्शन भी हो सकती है, डिस्कशंस होती हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन चला रहता है, तो ये हो जाएगा। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ना बड़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है। आप स्कूल्स बनाने जाओगे, लैब्स बनाने जाओगे, लाइब्रेरीज बनाने जाओगे ऐसे एरियाज में, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है और चैलेंजिंग भी है। लेकिन एडुसेट जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है, मतलब कि तुम्हें ज़्यादा खर्च नहीं करना है उसके लिए। ठीक है, कम खर्चे में ही बच्चों को आप एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो डिलीवर कर सकते हो। फिर है रिसोर्स शेयरिंग। तो रिसोर्स शेयरिंग ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है अपने रिसोर्सेज को, चाहे टेक्स्ट बुक हो गई, रेफरेंस मटेरियल हो गया, या मल्टीमीडिया कंटेंट है, इनको क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो बाद में जो है इसको यूज़ कर सकें, ताकि फिजिकल मटेरियल जो है ना उनको बच्चों को सप्लाई ना करना पड़े। तो वो ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है आपको वो पीडीएफ्स के फॉर्म में, शॉर्ट्स के मतलब नोट्स के फॉर्म में जो है वो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी अदर एडवांटेजेस की, इनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आप, मैं जस्ट पॉइंट पॉइंट बता देती हूँ आपको। जैसे टीचर ट्रेनिंग है या प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जब आप एडुसेट यूज़ करते हो तो इसके लिए आपको टीचर को भी ट्रेन करना पड़ेगा उसी हिसाब से, कि वो किस तरह से कंटेंट क्रिएट करेगा, कैसे उसको पब्लिश करेगा इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। देन कस्टमाइज्ड लर्निंग, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं, मतलब जिसको जैसे पढ़ना है, जिसकी स्पीड जैसी है, जिसको जिस तरह से पढ़ना है वो उस तरह से पढ़ सकते हैं, तो एक कस्टमाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि बच्चे एक रिजिड वो नहीं है ये कि भाई आपको जो है एक पर्टिकुलर जैसे क्लासरूम का टाइमिंग होती है कि इसी टाइम पे आपको पढ़ना है वरना आपकी क्लास मिस हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबल है, जब बच्चे को पढ़ना होगा वो तब इसको जो है वो यूज़ करके पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे क्लास में होता है ना कि अब क्लास मिस होगी अब आपको वो कंटेंट दोबारा आते नहीं मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं होता है, बच्चा जो है इसको कभी भी एक्सेस जो है वो कर सकता है। फिर एनहांस्ड कोलैबोरेशंस, मतलब मल्टीपल रीजन्स के लोगों के साथ वो कोलैबोरेट कर सकता है, अपने पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, या किसी और जगह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ वो कोलैबोरेट कर सकता है। और एम्पावरमेंट, जो ये जो आपके सप्रेस्ड रीजन्स के लोग थे ना, जो डिप्राइव्ड थे इन रिसोर्सेज से, उनको भी क्या मिल रही है, एम्पावर मिल रही है, तो इस तरह से वो अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और एम्पावर कर सकते हैं खुद को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने न्यू ट्रेंड्स इन आईसीटी पढ़े, इसके कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स और एडवांटेजेस पढ़े स्मार्ट क्लासरूम्स और एडुसेट के। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, इतना कुछ खास या टफ नहीं है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसी तरह से आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहती हूँ। और अगर किसी को भी मेडिकल कमीशन की तैयारी करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जो है बहुत बेसिक से जो है वो टॉपिक्स को, बेसिक और डीपली जो है वो टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो जिनको भी मेडिकल की कमीशन की प्रेपरेशन करनी है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका ही फायदा है। आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में जो है कंटेंट मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको बस समझना है टॉपिक को और आपको नोट्स बनाने हैं अपने। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।